পুলিশ কমিশনারের বাড়িতে সিবিআই হানার প্রতিবাদে একদিকে কলকাতায় যখন মুখ্যমন্ত্রী ধর্ণায় বসেছেন, তখন তার দলের কর্মীরা রেল অবরোধে সামিল হল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাস্তায় নেমে প্রতিবাদে সামিল হতেই গোটা রাজ্য জুড়ে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। হুগলি জেলাতেও শুরু হয় রেল অবরোধ। রাত 9:30 নাগাদ রিষড়া স্টেশনে শুরু হয় অবরোধ। পৌরসভার পৌরপ্রধান ও উপপৌরপ্রধানের নেতৃত্বে বেশ কিছু সমর্থক রেল অবরোধে সামিল হয়, ফলে আটকে পড়ে হাওড়া মেন শাখার সমস্ত ট্রেন। তবে যাত্রীদের অসুবিধার কথা মাথায় রেখে আধ ঘন্টার মধ্যে তুলে নেওয়া হয় এই অবরোধ। सरकार के द्वारा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और पश्चिम बंगाल सरकार को यहाँ पश्चिम बंगाल की भूमि पे भारतीय जनता पार्टी अपनी नई जमीन तैयार करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है और सीबीआई का उपयोग करके, सीबीआई को सामने रख करके यहाँ जो है सामने लोकसभा चुनाव है 2019 में। बीजेपी किसी भी तरह अपनी अपने अपने को आपको मजबूत करने के लिए तरह तरह से राज्य सरकार को डिस्टर्ब कर रही है, इसी के खिलाफ आज रेल अवरोध हुआ है। यह रेल अवरोध हम लोग किए हैं और रेल अवरोध बेसी देर तक हम लोग नहीं रखेंगे। इसका वजह है कि बहुत ही ऐसे पैसेंजर हैं जो यात्री हैं, हम ही लोगों के ही परिवार के हैं और भी एक मनुष्य है। हम लोग किसी भी तरह नहीं चाहते हैं कि उनको, हमारी माताओं को, बहनों को, भाइयों को किसी भी तरह का कष्ट हो, लेकिन बीजेपी की सरकार, केंद्रीय सरकार जिस हिसाब से पश्चिम बंगाल में को डिस्टर्ब कर रही है, पश्चिम बंगाल के उन्नयन को रोकना चाह रही है, यह संभव नहीं है। इसके लिए जरूरत होगा हम लोगों के पार्टी की तरफ से जो भी निर्देश आएगा तो हम लोग बृहद आंदोलन में। हुगली ब्यूरो न्यूज़, NNTV बांग्ला।